Hello everyone, how are you? Hope all of you are fit and fine and enjoying your home with your studies. Today we will do class 2 EVS lesson Animals Around Us. We will do animals and their homes. We will do related question answers, word meanings, and internal exercise with Hindi and English explanation. फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल डू टारगेट लर्निंग आउटकम्स फर्स्ट इज ऑब्जर्व variety ऑफ एनिमल्स इन द सराउंडिंग हमारे आसपास जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे आइडेंटिफाई एंड classify होम्स ऑफ एनिमल्स अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग कौन कौन से घर हैं होम्स हैं उन्हें जानेंगे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स एनिमल्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट What is this? Look at this. Yes, this is beehive. है ना बच्चों ये मधुमक्खी का घर बी हाइव अस हनी एंड वैक्स क्या देती है ये हमें हनी मीठा मीठा शहद जो मम्मी आपको खिलाती है और वैक्स देती है जो कई बीमारियों में मेडिसिन बनाने के काम आती है Yes, look at this. दिस दिस इज rabbit. Very वेरी गुड lives in इन ए b u यू -R, r o w Rabbit की जो होती है वूल होती है वो वूल अंगूरा वूल के नाम से मानी जा, जानी जाती है और ये बहुत गर्म होती है नेक्स्ट यस yes. Which एनिमल इज दिस वाओ that's ग्रेट Yes, दिस इज horse. वेयर द हॉर्स लिवस हॉर्स कहाँ रहता है हॉर्स लिवस इन स्टेबल एस टी ए बी एल ई यू शुड नो दिस एनिमल यस दिस इज डॉग सबको अच्छा लगता है ना पेट एनिमल होता है ये कई लोग इसे घरों में भी पालते हैं द हाउस ऑफ डॉग इज कॉल्ड कैनल के ई डबल एन ई आर डॉग के घर को क्या कहते हैं हम कैनल कहते हैं नेक्स्ट इज यस दिस इज काउ काउ होम इज कार्ड शेल्टर और ओपन एरिया क्योंकि ये ओपन एरिया में रहती है या किसी छत के नीचे शेल्टर के नीचे रहती है तो इसीलिए इसके होम क्या होता है शेल्टर और ओपन एरिया लेट्स डू सम समेटेड क्वेश्चन आंसर वेयर ड रहता है अभी अभी हमने देखा था यस इट लिव्स इन

दिस इज सिल्क वॉर्म, जो सिल्क का कीड़ा होता है मलबरी ट्री पर रहता है ये शहतूत के पेड़ पर रहता है और ये कोकून तैयार करता है को, कोकून का जो ऊपर का धागा होता है वही सिल्क होता है वट आज हनी बी गिवस हनी भी हमें क्या देती है हनी बी गिवर्स हनी एड वैक्स शहद देती है और हमें मोम देती है वैक्स देती है यस नेक्स्ट दिस आर वर्ड मीनिंग एनिमल पशु अराउंड आस पास अस हमारे एलिफेंट हाथी लैंड जमीन वाटर पानी डोमेस्टिक घरेलू पेट पालतू वाइल्ड जंगली फ्लैश मास नेम द एनिमल हु गिवस हमें जो है एनिमल्स के नाम देने हैं जो हमें ये ये चीजें देते हैं फर्स्ट इज एग एग हमें कौन देता है बच्चों? यस yes! एग हमें कौन देता है न कौन देता है हमें हैं एच ई एन -E हैन ठीक है सेकेंड सिल्क फाइबर सिल्क फाइबर हमें कौन देता है सिल्क वॉर्म एस आई एल के सिल्क वॉर्म डब्ल्यू ओ आर एम वॉर्म सिल्क का जो कीड़ा होता है वो हमें सिल्क वॉर्म देता है सिल्क फाइबर देता है मिल्क मिल्क हमें कौन देता है काओ काओ बुफेलो गोट कुछ भी आप लिख सकते हो लेदर लेदर हमें किससे मिलता है चमड़ा चमड़ा हमें किससे मिलता है काओ से बुफेलो से स्नेक से टोटॉय से ठीक है कहीं को, कोई भी आप लिख सकते हो वूल वूल हमें किससे मिलती है वूल हमें सबसे पहले सभी बच्चों को पता है शीप से मिलती है सेकेंड हमें किससे मिलती है रैबिट से मिलती है किससे मिलती है रैबिट से मिलती है अभी अभी हमने बताया आपको अंगूरा वुल जो होती है वो किससे मिलती है रैबिट से हनी हमें किससे मिलता है हनी बी से मिलता है एच ओ एन ई वाई हनी और बी की स्पेलिंग आपको आती है बी डबल ई बी ठीक है हनी बी से मिलती है नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं ऑल एनिमल्स आर फ्लैश शीटिंग क्या सभी एनिमल फ्लैशिंग होते हैं नो दिस क्या लिख देंगे हम? False. ठीक है? इसके सामने हम क्या लिखेंगे ओके नेक्स्ट इज वेस्ट पैंट हनी बी स्टिंग टू एनिमल्स वेस्प और हनी भी जो होती है जो ये पीले पीले से वेस्प होते हैं ब्राउन से या ब्लैक कलर के या हनी भी जो होती है ये अपने दुश्मनों को जो क्या करती है डंक मारती है इज इट ट्रू और फॉल्स यस दिस इज ट्रू नेक्स्ट ने फ्रोग और लिजाइड क्या खाते हैं इंसेक्ट्स को खाते हैं यस दिस इज आल्सो ट्रू नेक्स्ट इज रेबिट्स लिव इन कैनल रेबिट्स जो है कैनल में रहते हैं क्या नो दिस इज फॉल्स रेबिट कहा रहते हैं बूरों में नेक्स्ट इज हमारे घर को जो है गार्ड करने के लिए रखे जाते हैं यस दिस इज ट्रू वो हमारे घरों की देखभाल करते हैं नेक्स्ट इज अनजम्बल दर्ड्स कुछ वर्ड्स हमें जम्बल वर्ड्स दिए गए हैं हमें क्या कर रहे हैं उन्हें अन करना है फर्स्ट फर्स्ट हमें दिया एच एस आई एफ इससे क्या एनिमल बनेगा एफ आई एस एच हमने इसे अन किया क्या बन गया फिश नेक्स्ट इज जी टी ए जी टी को अगर हम जंबल करेंगे अन करेंगे इस जंबल वर्ड को जी ओ ए टी गोट नेक्स्ट इज डब्ल्यू सी ओ डब्ल्यू सी को अगर हम अंजम्बल करेंगे तो क्या बनेगा सी ओ डब्ल्यू काओ नेक्स्ट डी के यू सी दैट इज डी यू सी के नेक्स्ट इज आई ओ एल एन एल आई ओ एन नेक्स्ट इज टी एन ए एन टी एट एच एस आई एफ फिश गोट काओ टक टॉय एट नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग हमें मैच कर रहे हैं हमें वर्ड्स दिए गए हैं काओ स्टेबल ट शेल्टर टाइगर बीह सिल्क वन कैनल हॉर्स सिल्क रैबिट फ्लैश मंकी ग्रास हनी भी ट्री सबसे पहले अगर हम देखें मैच करना है हमें काओ काओ जो है कहाँ पर रहती है काओ कहाँ पर रहती है अगर हम देखें काओ कहाँ पर रहती है शेल्टर में ठीक है दिस इज नंबर वन ओके सेकेंड इज गोट गोट क्या खाती है गोट को अगर हम देखें गोट क्या खाती है ग्रास क्या खाती है गोट ग्रास ठीक है तो एच क्या हो जाएगा हमारा नंबर टू उसके बाद नेक्स्ट इज टाइगर टाइगर क्या खाता है टाइगर को अगर हम देखें टाइगर फ्लैश मांस को खाता है दिस इज नंबर थ्री नेक्स्ट इज सिल्क वॉर्म सिल्क वॉर्म क्या देता है हमें सिल्क वॉर्म गिवस सिल्क नंबर फोर डॉग डॉग कहाँ पर रहता है यस कैनल डॉग कहाँ पर रहता है कैनल नेक्स्ट हॉर्स हॉर्स कहाँ पर रहता है यस दिस इज स्टेबल कहाँ रहता है स्टेबल में रैबिट रैबिट कहाँ रहता है बुर्रो कहाँ रहता है बुर्रो नंबर सेवन मंकी मंकी कहाँ रहता है ट्री पर नंबर एट हनी भी हनी भी हमें क्या देती है या हनी भी कहाँ रहती है दैट इज हाइव कहाँ रहती है हाइव में ठीक है ये हमने मैच कर दिए नेक्स्ट आता है हमारे पास इन सबको जो है हमें ध्यान से करना है इनकी स्पेलिंग्स जो है हमें ध्यान से देखनी है उसके बाद हमारे पास आती है पेस्ट एनी फाइव एनिमल्स विद देयर नेम एंड होम आपको या तो ड्रॉ करने है या पेस्ट करने है, कोई भी फाइव एनिमल्स उनके होम भी होने चाहिए और उनके नाम भी लिखे होने चाहिए और अच्छे से यू हैव टू डेकोरेट इट प्रॉपरली ओके इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब श्रीजा एजुकेटर्स बाय बाय है